हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम नंबर का अध्ययन कर रहे थे। हमने नंबर को दो भागों में बांटा, वेरिएबल और इनवेरिएबल। उसमें वेरिएबल नंबर है उसको हमने दो भागों में बांटा था, रेगुलर और इरेगुलर। उसमें रेगुलर है उसका हमने अध्ययन किया था कि रेगुलर में किसी नाउन को सिंगुलर से प्लुरल किस प्रकार बनाते हैं। हमने उसमें तीन नियम देखे थे। रेगुलर के अंतर्गत एक तो किसी नाउन के एस लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं, ई एस लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं और आई एस लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं। आज हम इरेगुलर है उसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक था नंबर। नंबर इसमें नंबर को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो वेरिएबल नंबर, दूसरा इनवेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर है उसको हमने दो भागों में बांटा था, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर है उसमें हमने देखा था कि किसी शब्द के एस लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं, ई एस लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं और आई ई एस लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं। आज हम इसके अंतर्गत जो इरेगुलर है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल नंबर के अंतर्गत इरेगुलर। हम आज इरेगुलर है उसका अध्ययन करेंगे। तो इरेगुलर है, इसमें देखेंगे कि किसी शब्द के या कोई भी नाउन है जब हम उसको प्लुरल बनाते हैं तो उसमें वी ई एस लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं। एक होता है किसी शब्द में ई एन लगाकर उसे प्लुरल बना सकते हैं। एक होता है इसमें इंटरनल वोवल चेंज करके उसे प्लुरल बना सकते हैं। इंटरनल वोवल चेंज, इंटरनल वोवल चेंज करके उसे प्लुरल बना सकते हैं। एक होता है इसमें जीरो प्लुरल, यानी कोई भी नाउन है उसमें बगैर चेंज किए वही सेम नाउन है वो प्लुरल रहेगा। एक होता है इसमें फॉरेन प्लुरल, फॉरेन प्लुरल। इरेगुलर के अंतर्गत आज हम वी एस ई एन इंटरनल वोवल, जीरो प्लुरल और फॉरेन प्लुरल इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं वी ई एस। इसमें इरेगुलर में पहला नियम है वी ई एस, यानी कोई भी नाउन है उसमें वी ई एस लगाकर उसे प्लुरल बनाते हैं। जैसे हमने शब्द लिया नाइफ, इसको ये सिंगुलर है और इसको प्लुरल बनाते हैं तो नाइव्स। जैसे वाइफ, इसको प्लुरल बनाते हैं वाइव्स। लाइफ, लाइव्स। सेल्फ, सेल्फ्स। तो इससे एक नियम बनता है कि कोई भी शब्द है अगर उसके अंत में एफ या एफ ही हो तो एफ या एफ ही को हटाकर वी एस लगाकर उस नाउन को हम प्लुरल बना सकते हैं। तो लिखेंगे, नोट लगा के लिखेंगे, अगर किसी नाउन के
अंत में एफ या एफ ई हो तो उसे प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई के स्थान पर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन कुछ शब्द हैं वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, वो देखेंगे। कुछ शब्द हैं वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे शब्द है चीफ, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाते हैं तो एस लगाएंगे, चीफ्स हो जाएंगे। जैसे रूफ, ये हो जाएगा रूफ्स। प्रूफ, ये हो जाएगा प्रूफ्स। इसके बाद में एक शब्द है कफ, गाय का बछड़ा। ये कफ भी होता है और इसको कफ्स, एक शब्द है। जैसे हुफ, हुफ होता है खुर, इसको हम हुफ्स प्लूरल बना सकते हैं। और हुज, ये भी इसका प्लूरल होता है। जैसे स्कार्फ, इसको स्कार्फ, ये भी प्लूरल सही है इसका। और स्कार्फ, ये होता है रुमाल, स्कर्व रुमाल। एक होता है द्वार, इसको दोनों तरीके से प्लूरल बना सकते हैं, द्वार और द्वार्स, द्वार बोना। तो इससे हमने देखा कि कोई भी शब्द है उसमें वी ई एस लगाकर जब प्लूरल बनाते हैं तो प्रत्येक शब्द है वो इस नियम को फॉलो नहीं करते। कुछ शब्द है वो दोनों नियम को फॉलो करते हैं, कुछ शब्द हैं वो केवल इसी नियम को फॉलो करते हैं, और कुछ शब्द हैं वो केवल एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। तो ये हमने वी ई एस लगाकर शब्दों को प्लूरल बनाया, ये इसका पहला नियम देखा। इसके बाद में वेरिएबल नंबर के अंतर्गत जो इरेगुलर है उसका दूसरा नियम है ई एल लगाकर प्लूरल बनाना। किसी शब्द है उसमें ई एल लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने शब्द लिया ऑक्स, ये सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऑक्सन। जैसे साइड, ये हो जाएगा चिल्ड्रन।
जैसे ब्रदर ये हो जाएगा ब्रेदरन, ब्रेदरन होता है कम्युनिटी यानी समुदाय से संबंधित। और इसको जब ब्रदर यानी भाई भाइयों के लिए लेते हैं तो इसका हो जाएगा ब्रदर्स। तो हमने दूसरा नियम है उसमें देखा था कि ईएन लगाकर शब्द को है प्लुरल बना सकते हैं। इसके बाद में इसका तीसरा नियम है वो है इंटरनल वोवल चेंज करके, इरेगुलर के अंतर्गत तीसरा नियम है इंटरनल वोवल चेंज करके। तो इसमें जैसे हमने शब्द लिया मैन, ये सिंगुलर है, इसको प्लुरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा एमएन मैन। जैसे वुमन, वुमन इसको प्लुरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा विमेन, ये हो जाएगा विमेन। तो इसमें हमने देखा कि ए को हमने इंटरनल वोवल में ई बनाया यानी ए के स्थान पर ई लगाकर सिंगुलर वर्ड है उसको प्लुरल बनाया। इसके बाद में हमने एक शब्द लिया फुट, इसको प्लुरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा फिट। टूथ, ये हो जाएगा टीथ। एक होता है गूज, हंस, ये हो जाएगा गीज। लेकिन कुछ शब्द होते हैं वो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं। देखते हैं जैसे हमने शब्द लिया बूट, तो इसका प्लुरल बूट्स होता है, बूट, ये हो जाएगा बूट्स। मैंगोज, मोंगूज, नेवला, नेवला होता है तो इसका प्लुरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा मोंगूजीज, मोंगूजीज। तो इसमें हमने ओ है उसको ई में चेंज किया, इंटरनल वोवल चेंज में ओ ओ है उसको ई में चेंज करके सिंगुलर से प्लुरल बनाया। इसके बाद में देखते हैं जैसे माउस, ये सिंगुलर है, इसको प्लुरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा माइस। एक होता है लाउस, ये होता है लाइस, लाउस होती है जू, जू होती है ना जू, उसे लाइस कहते हैं, लाउस कहते हैं, लाउस का प्लुरल है वो लाइस बन गया। इसके बाद में एक होता है डोर, डोर लाउस,
ये हो गया डोर लाइस। डोर लाइस का अर्थ होता है दीमक, दीमक। इसके बाद में इसका जो अगला नियम है वो देखेंगे, इरेगुलर नंबर के अंतर्गत है। अगला है जीरो प्लूरल। जीरो प्लूरल, इसमें हम शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। जैसे हमने शब्द लिया सिप है, इसको प्लूरल बनाते हैं तो ये सेम रहेगा। जैसे डियर, तो ये भी डियर। एक होता है रेनडियर, रेनडियर, रेनडियर होता है ठंडे प्रदेशों का भालू, ठंडे प्रदेशों का। ठंडे प्रदेशों में रहने वाला एक जीव। इसके अंतर्गत एक होता है स्वाइन, इसका प्लूरल स्वाइन। स्वाइन है सुअर। सुअर को स्वाइन कहते हैं। एक होता है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग है वो ऑफस्प्रिंग ही रहेगा। इसका अर्थ होता है संतान। एक होता है फिश, मछली। फिश है, इसका प्लूरल फिश ही रहता है। इसके बाद में देखते हैं जो मछली, उसकी वैरायटी है, उसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो अलग अलग मछलियों के नाम होते हैं, उसमें एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। एक शब्द होता है बफेलो, इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो ये बफेलो रहता है, बफेलो। ये भी इसका सही होता है, बफेलोज, ये भी सही होता है। ये भी सही होता है। ये तीनों नियम है उसको फॉलो करता है, तीनों में ये बफेला है, उसका प्लूरल बनाते हैं तो सही होता है। इसके बाद में जैसे एक शब्द होता है पिग, पिग का अर्थ भी स्वर होता है, इसका प्लूरल है पिग्स होता है। ये जीरो प्लूरल है, उस नियम को फॉलो नहीं करता है। एक होता है शोक, इसका अर्थ भी स्वर होता है, स्वर। तो ये भी उस नियम को फॉलो नहीं करता है, इसको एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एक होता है बो, बोर, इसका अर्थ भी स्वर होता है, स्वर। तो इसे प्लूरल बनाते हैं तो इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। पिग मिस स्वर होता है, शो मिस स्वर होता है,
और भी स्वर होता है, तो जो स्वर होता है उसमें एक स्वाइनी स्वर होता है, इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो ये जीरो प्लूरल के अंतर्गत आता है, और ये तीनों पिग सो और बोर, ये इसको जब प्लूरल बनाते हैं तो इसमें नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसके बाद हम कुछ शब्द और देखते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ये सेम रहता है प्लूरल में, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट होता है। एक होता है स्पाइसी, तो स्पाइसी से प्रजाति होता है, इसका भी प्लूरल है, वो सेम रहता है। इसके बाद में एक होता है सीरीज, सीरीज श्रृंखला, श्रृंखला है, इसका प्लूरल भी सेम रहता है। एक होता है इनिंग, इनिंग्स, इनिंग्स, इसका प्लूरल भी सेम रहता है। इसके बाद में एक होता है क्वार्टर, क्वार्टर, क्वार्टर्स, इसका प्लूरल भी क्वार्टर्स रहता है। इसी में एक होता है हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, वह भी हेडक्वार्टर्स होता है। तो ये जीरो प्लूरल के अंतर्गत हमने कुछ शब्द हैं वो देखे थे। इसके बाद में जीरो प्लूरल में कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे डजन, वन डजन, इसको प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा टू डजन, एंड 100, तो इसको प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाएगा 200, 1000, 2000, मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, वन बिलियन, यह हो जाएगा 2 बिलियन। तो जीरो प्लूरल है, उसके अंतर्गत हमने कुछ शब्द हैं उसके माध्यम से देखा था कि सेम शब्द है वही सिंगुलर होता है, और वही शब्द है सेम प्लूरल में आता है। एक शब्द होता है स्टोन, वन स्टोन, टू स्टोन,